नमस्कार किसान भाइयों, ए टू जेड फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम नागार्जुना कंपनी के सैंडिकेट इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे। इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसका छिड़काव हम कौन कौन सी फसल पर कर सकते हैं, इसका डोज क्या है, ये कौन कौन से पेस्ट को कंट्रोल करता है, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दे, बगल की बेल आइकॉन घंटी बजा दे, जिससे ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं इसके टेक्निकल नाम के बारे में। इसमें जो टेक्निकल है वह स्पाइनेटोरम 11.7% जो कि यस सी फॉर्म में आता है। यह एक ग्रीन लेवल का कीटनाशक है। यह सभी प्रकार की इल्लिया और थ्रिप से सुरक्षा देता है। इसका असर काफ़ी दिनों तक तो बना रहता है। यह फसल को स्वास्थ्य बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। इसका उपयोग फूल खिलते और फलते समय करना चाहिए। अक्सर हम इसका यूज मिर्च, कपास, भिंडी, बैंगन, पत्ता गोभी, टमाटर, चाय, प्याज, स्ट्रॉबेरी, मूंग, सब्जियां इन फसलों पर कर सकते हैं। यह पूरी तरह कंट्रोल करता है थ्रिप्स, अमेरिकन इल्ली, तंबाकू इल्ली, पत्ता लपेट, तना छेदक, बोलवार्म, फल छेदक, तेला, लीफ माइनर, लीफ हॉपर। यह सभी रस चूसने वाले कीट और सभी इल्लियों को कंट्रोल करता है। इंसेक्ट कंट्रोल की बात करें तो यह नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीटक की मौत हो जाती है। अगर इसके छिड़काव की बात करें तो 15 लीटर पानी में 18 ml मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।